समुद्र मंथन हुआ भगवान ने, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? फास्ट। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? मैया बताओ क्या निकला? जहर, विष। आखिरी में क्या निकला? अमृत। समुद्र मंथन में पहले क्या निकलता है? विष। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो पहले जहर ही निकलेगा। समाज कहेंगे कि अच्छा नहीं है, नुकसान भी होगा, वो जहर है, लेकिन करते रहो मंथन, आखिरी में अमृत भी निकलेगा। करते रहो अपना काम, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि अमृत आखिरी में। और कुछ लोग अमृत तक पहुंचे हुए नहीं, मंथन बंद कर देते हैं, मतलब आखिरी तक पहुंचे हुए नहीं, काम छोड़ दे। अरे तुम्हें घाटा लग रहा है। जीवन में कोई भी काम करो आप, पहले आपको जहर ही मिलेगा। आप क्या कहते हैं? महाराज जी हम सबका भला करते हैं, हमें तो बुरा मिलता है, क्योंकि जहर ही निकलेगा ना पहले। हाँ, आप कोई भी काम करो पहले क्या निकलेगा? जहर पीना पड़ेगा। आखिरी में अमृत निकला। अच्छा, गाय कहां से निकली? समुद्र मंथन से। साधुओं ने ली, धनवंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट भय, मोहिनी भगवान, कक्षप भगवान, धनवंतरी भगवान, तीन अवतार हुए समुद्र मंथन में। फिर देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने अमृत पिया, दैत्य रह गए, राजा बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब वामन भगवान प्रकट हुए। कौन से भगवान प्रकट हुए? वामन भगवान ने कितने पग भूमि मांगी है भैया बताएंगे? वामन भगवान ने कितने पग भूमि मांगी थी? पीछे वाले भैया ये बैठे, तीन पग। किससे मांगी थी? नहीं बोलेंगे? हाँ, किससे? हाँ मैया, किनसे मांगी? राजा बलि। ये बलि किनके बेटे हैं? प्रहलाद के वंश में है राजा बलि। प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि। मैया होगी पंचायत? थोड़ा और कर लो, कर लो, थोड़ी थोड़ी कर लो, थोड़ी थोड़ी छूट है। मैया सुन रही हो मेरी माँ कि नींद आ रही है? ठंडी बहुत है, क्यों कम है कि ज्यादा है? मैया आपको ठंडी ज्यादा लग रही है कम? पंजाब में कम है? अब पंजाब में तो ज्यादा ही रहेगी, वो उत्तर की तरफ है, यहां कम है। हाँ, अच्छा आप लोगों को आदत है, पंजाब उत्तर में है ना, इसलिए सर्दी और आगे जाओगे बढ़ती चली जाएगी, हिमालय है आगे। तो मैया सर्दी कहती है ना, सर्दी का एक सिद्धांत है, सर्दी कहती हम बच्चों से बोलेंगे नहीं, बच्चों को सर्दी नहीं लगती, पता है? आप बच्चों को कितने भी कपड़े पहना दो, कितने भी कपड़े मत पहनाओ, बच्चों को सर्दी नहीं लगती। सर्दी एक बार ठंडी बोली कि बच्चों से हम बोलेंगे नहीं और जवान हमारे भाई। जवान लोग ना ठंडी के भाई लगते हैं, जवान लोग ठंडी के कौन लगते हैं? ठंडी बहन जो है ना, सर्दी बहन। पंजाब में रहती है सर्दी बहन? हाँ पंजाब में तो ज्यादा रहती है। तो सर्दी बहन आपकी क्या लगती है? बहन। सर्दी बोलती हम बच्चों से बोलेंगे नहीं और जवान हमारे भाई, और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं चाहे ओढ़े फिरे रजाई। सर्दी बूढ़ों को बहुत सताती है, कुछ बूढ़े तो सर्दियों में फटाफट निपटना स्टार्ट हो जाते हैं। सर्दी कहती हम बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं चाहे ओढ़े फिरे फिरे रजाई, इसलिए बूढ़ों को ज्यादा सर्दी लगती है। बहुत बड़ी दुश्मन है सर्दी बूढ़ों की।
आते ही परेशान करने लग जाती है, खांस खांस के परेशान होता है आदमी, है ना। तो राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, तीन पग भूमि बामन भगवान प्रकट हुए, माता अदिति ने पयोव्रत किया, द्वादशी को भगवान प्रकट हुए। फाल्गुन मास के प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पीकर माँ ने व्रत किया और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान भिक्षा मांगकर माँ को दिए, माँ बोली ये नहीं त्रैलोक्य की लाओ। चले राजा बलि के द्वार पर, राजा बलि ने कहा प्रभु क्या चाहिए। भगवान बोले ज्यादा नहीं, तीन पग भूमि। शुक्राचार्य जी ने मना किया, मत देना ये वामन नहीं त्रेपन है। राजा बलि ने मना किया, शुक्राचार्य जी ने, भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी और पहले पग लेकर पाताल, दूसरा पग सत्यलोक, तीसरा पग कहां। राजा बलि ने कहा मेरा धन नापा है, धन का मालिक आपके चरणों में पड़ा, मुझे नाप लीजिए। भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर तीसरा चरण रखा और राजा बलि कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान के चरण को अपने माथे पर प्राप्त करते हैं। राजा बलि पर भगवान रीझ गए, पुत्र कुछ मांग लो। भगवान से बोला राजा बलि कि मैं आपका दर्शन करता रहूं, ये वरदान दो। तब भगवान द्वार पर खड़े होकर के राजा बलि के द्वारपाल बनकर आते जाते दर्शन करते भगवान का। तब लक्ष्मी जी आई, बोले मेरे पति कहाँ है। नारद जी बोले आजकल तो द्वारपाल बने नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली कहाँ है, बोले वामन द्वारपाल बने वामन भगवान। तब लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधी और रक्षाबंधन में राखी बांधकर अपने भाई से, राजा बलि को राखी बांधकर भाई से अपना पति लेकर के गई कि आप मेरा पति वापस कर दो। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार चालू हुआ। रक्षाबंधन में पहली बार राखी किसने किसको बांधी, तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को पहली बार राखी बांधी। उसके बाद द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बांधी, उसके बाद हम सबकी बहनें हम सबको बांधती हैं।